नमस्कार, आज हम आपके सामने दांत दर्द के घरेलू नुस्खे को लेकर उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को हंसता मुस्कुराता चेहरा बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमेशा चेहरा हंसता रहे। इस हंसते चेहरे के में सबसे ज़्यादा रोल हमारे दांतों का होता है। हमारा दांत स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, तो जब हम हंसेंगे तो हमारा चेहरा हंसता मुस्कुराता अच्छा लगेगा। लेकिन उसी हंसते हुए चेहरे में यदि हमारे दांत में दर्द हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत असहनीय और पीड़ादायक होता है, जिससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है, और हर समय डॉक्टर के पास जाना और एलोपैथिक दवा खाना यह बहुत ही कष्टकारी हो सकता है, तो हमें कौन से ऐसे उपाय हम करें जो हमारे रसोई से संबंधित है, जिसको अपनाकर हम अपने दांत दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और हमारा दांत का दर्द दूर हो सकता है। तो यदि हमारा दांत का दर्द इन उपायों से दूर हो जाता है, तब तो हमें डॉक्टर तक नहीं जाने की आवश्यकता होती है। उसके बावजूद भी यदि हमारा दांत का दर्द नहीं सही होगा, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको कुछ उपाय ऐसे बताएंगे जिसको अपना के हम दांत दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा आपके समक्ष क्रमशः दांत दर्द के घरेलू नुस्खे बताऊंगी। सर्वप्रथम फिटकरी। फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा लेके आधा गिलास पानी में उसको हम क्रमशः फिटकरी को पानी में हिलाएंगे और उस टुकड़े को बाहर निकालेंगे। उस फिटकरी के पानी से हम दो बार तीन बार कुल्ला करेंगे। ऐसा हम दो या तीन बार करेंगे तो उस पानी से हमारे दांत के दर्द में बहुत राहत मिलेगी। फिटकरी के प्रयोग से हमारे जो दांतों में बैक्टीरिया होते हैं उसका नाश हो जाता है, उसके समाप्त हो जाते हैं, तो उससे दांत के दर्द में राहत मिलती है। और जब हम फिटकरी के पानी से कुल्ला करते हैं तो हमारे दांत में जो चीज़ें फंसी हैं उसके भी निकल जाने से हमारे दांत के दर्द में राहत होती है। तो फिटकरी का पानी दांत दर्द में बहुत ही राहत पहुँचाता है। दूसरा, इस हम एक चम्मच सरसों का तेल लेंगे, उसमें एक चुटकी नमक, एक चुटकी हल्दी डाल के उसका पेस्ट बना लेंगे और जहाँ पे हमारे दांत में दर्द हो रही है उसे दो बार तीन बार उंगली से लगाएंगे, तो उस दांत दर्द में जो वायु के कारण से भी कई बार दर्द होती है तो उससे बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। तो हल्दी और नमक और तेल का पेस्ट, हल्दी नमक तेल का पेस्ट जो हम तैयार करेंगे, क्रमशः तीन चार बार लगाने से हमारे दांत के दर्द में कमी आ सकती है। तीसरा, हम लौंग का तेल, जहाँ पे हमारे दांत में दर्द हो रही है उसमें हम लौंग का तेल उंगली से या रुई के फाई में हम लौंग का तेल लगा लेंगे और उस दांत जहाँ पे दांत में दर्द है वहाँ पे हम रुई का फाया लगाएंगे, उससे भी हमको दांत दर्द में आराम मिलेगा। चौथा, लहसुन। लहसुन जैसे कि आप सभी जानते हैं वायुनाशक होता है। लहसुन को कूट के एक या दो कली लहसुन को जहाँ पे दांत में दर्द हो रही है वहाँ पे चबाने से भी दांत के दर्द में राहत मिलती है। तो इस और पेपरमिंट, पेपरमिंट कूटी हुई पेपरमिंट होती है, थोड़ा सा पेपरमिंट जहाँ पे दांत दर्द हो रहा है वहाँ पे हम उसको भर लेते हैं थोड़ा सा पेपरमिंट और लगातार मुंह से लार टपकाते हैं, जिससे कि दांत के दर्द में बहुत कमी आती है। इस प्रकार से हम आपको फिटकरी का पानी, सरसों तेल, नमक और हल्दी का पेस्ट, लौंग का तेल, लहसुन को कूट के लगाना और पेपरमिंट का प्रयोग, दांत दर्द के लिए पांच हमने रेमेडीज बताई। और उसके बावजूद भी यदि आपको दांत में दर्द में फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का हो, दिन में सुबह और रात को सोने से पहले मंजन जरूर करें और कुनकुने पानी से गलगल करें, जिससे कि आपका दांत स्वस्थ रहेगा और दांत की दर्द है यदि तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो हमने आपको यहाँ पे इस प्रकार से दांत दर्द के घरेलू उपाय बताए, जिससे कि आपका दांत हमेशा स्वस्थ
रहेगा और आप ऐसे मुस्कुराते और प्रसन्न रहिएगा। स्टे होम एंड सेफ होम। थैंक यू।